हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हमारा भाई डे 5 स्विगी में। भाई यार मैं क्या बोलूँ, दिमाग खराब हो रहा भाई। कल का व्लॉग देखा नहीं? देखा भाई, देख लो जाकर। देखो डे 4 इतना बढ़िया गया ना, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। पूरा दिन बर्बाद, एक ऑर्डर नहीं मिला, एक रुपये नहीं कमाया था भाई। क्या बोलूँ यार, मतलब समझ नहीं आ रहा। जब मैं सोचता हूँ ना अब सब सही हो जाएगा, अब सब सही हो जाएगा, सारा उसी टाइम हर चीज़ ख़राब होने के लिए स्टार्ट हो जाती है। मैं जब से व्लॉग नहीं बना रहा था ना भाई, दवा के काम चल रहा था, बहुत बढ़िया ऑर्डर्स आ रहे थे, बहुत बढ़िया इनकम जनरेट हो रही थी, मज़ा आ रहा था फुल काम करने में भी। लेकिन फिर मैंने सोचा यार कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं दिखाता हूँ। मैंने जैसे व्लॉग डालने स्टार्ट करे भाई, 3 दिन अच्छा चला, 4th दिन इतनी बेकार किसी की मनोसियत लगी। एक ऑर्डर नहीं मिला भाई कल, एक भी। पूरा दिन बर्बाद हुआ भाई। कितनी देर तक, 11 बजे तक वेट किया मैंने, एक ऑर्डर नहीं आया। एंड आज तुम्हें क्या लग रहा, सुबह नहीं हो रही है भाई, 2 बजने वाले। 2 बजे मैंने इसलिए किया, मैंने कहा जब ऑर्डर आएगा तभी करूँगा, लेकिन नहीं आया, अभी भी नहीं आया भाई ऑर्डर, कुछ नहीं आया। खाली बैठा हूँ मैं सुबह से, बस ऐसे ही चल रहा है यार। हिसाब किताब समझ नहीं आ रहा मेरी, इन लोगों पे इतना पैसा है गया ऑर्डर क्यों नहीं कर रहे भाई देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो भाई कुछ नहीं हुआ, आज खाली बैठे हैं सुबह से और वेटिंग है। मुझे तो लग रहा भाई आज भी कुछ नहीं होगा, बहुत बढ़िया किस्मत चल रही है ना आजकल, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग बताओ यार, कौन कौन स्विगी में क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? मैं तो छोड़ रहा हूँ, छोड़ दूंगा भाई, अगर कोई ढंग का चीज़ मिले ना छोड़ दूंगा। लेकिन इस टाइम भाई काम भी नहीं है ना कहीं, मार्केट में पैसा ही नहीं है तो करेगा आदमी, बात तो ये है ना। अब ऊपर से हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता ना भाई, सारी चीज़ों की टेंशन खत्म हो जाती, लेकिन वो भी नहीं होगा। तो देखते हैं, करते हैं वेट क्या होता है, ठीक है। सो गाइस, मैंने जो है 3 ऑर्डर दे दिए हैं और मैं वो यार ब्लॉग शूट कर ही नहीं पाया, मतलब मैं एकदम शॉक हो गया जब मुझे 3 ऑर्डर मिले ना एक साथ, क्योंकि देखो सुबह से कोई भी ऑर्डर नहीं मिला था और 3 ऑर्डर एक साथ मिले तो मैं भूल गया कि ब्लॉग भी शूट करना। तो मैंने कहा पहले भाई वो कर लेते हैं, मतलब ऑर्डर देते हैं, ब्लॉग तो कर ही लेंगे और मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगा कि मैंने भाई किए हैं, लेकिन भूल भी बोल रहा हूँ किए हैं, लेकिन कल मुझे एक भी नहीं मिला, आज दे दिया मुझे एक घंटे। अच्छा काम हो गया, फिर भी अभी वेट कर रहा हूँ ऑर्डर देने, क्या पता 11 बजे तक और आ जाए, वेट करते हैं। फिलहाल तो मार्केट में हूँ, ठीक है। फिलहाल तो देखो मार्केट में हूँ और थोड़ा अब रेस्टोरेंट वगैरह की साइड निकल जाता हूँ, क्योंकि रेस्टोरेंट की साइड रहूँगा ना तो हो सकता है कि 2 ऑर्डर जल्दी मिल जाए और हो सकता है ना भी मिलें, जैसा कि अपनी किस्मत में होगा। देखो 3 ऑर्डर इकट्ठे मिले हैं, ये अपनी किस्मत में था, और 2 ऑर्डर और मिल गए तो वो भी अच्छी बात होगी, लेकिन किस्मत में तो नहीं, हर चीज़ करने से भी होता है यार थोड़ा, ठीक है। चलते हैं यार रेस्टोरेंट की साइड कि अपने को ऑर्डर मिल सके और हमारा जो भी बोनस रहेगा वो तुम्हारा भाई कलेक्ट कर सके, उसके लिए चलना पड़ेगा। मैं चलता हूँ रेस्टोरेंट की साइड और ब्लॉग को इडली करने, ठीक है। सो गाइस, मैं अपना जो है 4th ऑर्डर लेने आ चुका हूँ इस रेस्टोरेंट के बाहर, किंग पिज्ज़ा नाम से है। मैं बैक कैमरे से दिखा देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा फ्रेंड्स को, तो थोड़ा सा आप इसलिए दिख रहा होगा यार, मैंने पन्नी लगा रखी ना फ़ोन में बारिश के चक्कर में। पिज्ज़ा किंग यहाँ है भाई, अपना 4th ऑर्डर ही प्रिपेयर हो रहा है। 7:34 8:34 मतलब अभी 8:30 हो रहे हैं, इसे देखो यार। हाँ भाई छोटू, चलो कोई नहीं, प्रिपेयर होने दो, फिर लेके चलते हैं कस्टमर के पास फटाफट। थोड़ा भाई देखो ब्लर हो रहा होगा क्योंकि पन्नी लगा रखी है मैंने, क्योंकि मौसम भाई कोटद्वार में ऐसे हो रहा है। और मैं भाई कोटद्वार के पब्लिक से ये कहना चाहूँगा, देखो काफ़ी सारे डिलीवरी बॉय जो है काम कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे मिलते हैं भाई रात को, और मुझे यकीन नहीं था कि इतने सारे डिलीवरी बॉय पर काम करते हैं स्विगी जोमेटो, बट उनको ऑर्डर्स नहीं है। तो भाई देखो जो अच्छे खासे घर से है, मतलब जो कुछ भी हैं, तो यार अगर आप लोग एक चीज़ भी ऑर्डर कर रहे हो या 2 चीज़ ऑर्डर कर रहे हो, देखो इनका ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है बेचारों का। भले ही उसमें इतना पैसा नहीं मिलता डिलीवरी में, बट ये है कि ऑर्डर मिलता है, थोड़ा बोनस वगैरह मिल जाता है। तो जो भी अच्छे खासे घर से, तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप सभी एक आध ऑर्डर जरूर करें, ताकि इनका भी कर्म चलता रहे और आपका भी, है ना। ज़्यादा नहीं, अगर आप 100 रुपये का भी ऑर्डर करते हो, देखो आपको बड़ी बात नहीं है 100 रुपये के लिए, लेकिन इनके लिए 100 का ऑर्डर बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ आप सभी ऑर्डर करें जो भी कोटद्वार से मेरी वीडियो देख रहे हैं एंड ऐसे सपोर्ट करते रहें, डिलीवरी बॉय जो भी स्विगी जोमेटो में है और जो भी अपने साथ कोलाब्रेशन करें, इंस्टाग्राम पर फटाफट आएँ आई मानिक ऑफिशियल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके जल्दी फॉलो कर लो। अपना 4th ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा है, फिर 5वें का वेट करेंगे यार। पेपर मैं सकली दा देन गया सी, बस 28 नंबर ही लैन गया सी, पेपर मैं सकली दा देन गया सी, बस 28 नंबर ही लैन गया सी, परियो ते मैं तो 0 भी ना टूटी पई, एक चीज उते ध्यान बार खोनी सी, ओ 3 घंटे चित मेरा लग गया रिया, वो पेपर च मैडम बड़ी सोहनी सी, 3 घंटे चित मेरा लग गया रहा,
पेपर च मैडम बड़ी सोहनी सी। ऑर्डर तो होते रहेंगे, थोड़ी बहुत मस्ती भी कर लें यार बीच रोड पे। हट गया भाई, हट गया यार। दिखाई दे रहा हूँ ये, दिखे मुझे गाड़ी आ रही। चाडू चाडू भाई पिज्ज़ा के ऑर्डर देखो इसलिए नहीं रहता, मुझे ना बैग ऐसे करके ले जाना पड़ेगा एकदम सीधा, इसे टेढ़ा करूँगा ना पिज़्ज़ा जो है ख़राब हो जाएगा और रेटिंग मिलेगी ख़राब, तो इसे ऐसे लेके जाना पड़ेगा मुझे। छोड़ो चलो चलते हैं यार। तो ये लो गाइस, मैं अपना चौथा ऑर्डर भी छोड़ चुका हूँ और अब वेट है बस पाँचवें ऑर्डर का, जो कि मेरा लास्ट ऑर्डर होगा। बस यार ये मिल जाए ना, अभी 9 बज रहे हैं देखो, 2 घंटे हैं मेरे पास 11 बजे तक। अगर ये मिल गया ना तो मज़ा आ जाएगा। कमेंट करके बताओ क्या होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखते हैं किसी कमेंट अच्छी होगी या फिर मतलब किसे इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई मिल जाएगा ऑर्डर, कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल तो मुझे भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है कि भाई 2 घंटे में एक ऑर्डर तो मिल ही जाएगा कैसे ना कैसे करके, फिर देखते हैं किस्मत की बात है बाकी जो है ना। तो करते हैं वेट, जो भी होगा आपको पता चली जाएगा। बट यार स्किप मत करना, देखो यार बिना स्किप करे बताना, स्किप मत करना। मैं करता हूँ वेट और थोड़ा मतलब जो हाईएस्ट वाले ऑर्डर्स होते हैं ना, मतलब जहाँ हाई ऑर्डर ज़्यादा आते हैं रेस्टोरेंट पे, मैं उधर की साइड चलता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो यार टाइम हो चुका है 9:40 और अब मुझे लगता नहीं, देखो 10 बजने वाले हैं एंड हो सकता है कि आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए। तो मैं सोच रहा हूँ आना होगा तो वो घर पर भी मुझे मिल जाएगा और नहीं आना होगा तो यहाँ वेट करके भी कोई फ़ायदा ना हो, तो मैं निकलता हूँ भाई घर, ठीक है। अगर आएगा तो ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, नहीं आएगा तो भाई ब्लॉग नहीं करते हैं। बाकी मैं आपको दिखा दूँगा कि ऑर्डर आए थे मेरे पास, मज़ा नहीं लेना, ठीक है। आज भी आपको यार गाइस ज़्यादा वेट कर फायदा नहीं है ना, है ना यार। देखो घर जाऊँगा तो टाइम से खाना वाना खा के फिर ब्लॉग भी एडिट कर लूँगा, और यहाँ रहूँगा तो फिर कोई टाइम वेस्ट ही होना, अगर नहीं मिला तो फिर टाइम वेस्ट ही होगा ना। अच्छा निकलते हैं, और मिलना होगा तो घर भी मिल जाएगा। चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। फॉलो ज़रूर कर लो यार आई मानी काफ़ी इंस्टाग्राम पर अपने भाई को, तुम यार फॉलो नहीं करो इसी जगह, ठीक है। जल्दी फॉलो कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो। जल्दी जल्दी 50K करना है, और जब 50K हो जाएंगे उसका केक भी काटना है तो प्लीज़ सपोर्ट कर दो।